हे गाइस, वेलकम टू एम्बिशन क्लासेस। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, अभी तक हम लोग देख लिए कि एडिशन ऑफ वेक्टर में क्या होता था। तो एडिशन ऑफ वेक्टर में दो वेक्टर्स गिवेन होते थे और हम लोग एक थर्ड रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करते थे। उस रिजल्टेंट वेक्टर में खास बात क्या होता था, वो वेक्टर उन दोनों का सम होता था। सम का मतलब वो दो अलग अलग वेक्टर मिलके जो काम, जो इम्पैक्ट कर रहे होते थे, वो रिजल्टेंट अकेला करता था। ठीक है, बहुत अच्छी बात। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, सॉरी, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो इसमें क्या है कि हम एक वेक्टर को दो अलग अलग डिफरेंट वेक्टर में स्प्लिट कर देते हैं, जस्ट एडिशन के अपोजिट। एडिशन में करते थे, दो अलग अलग वेक्टर को सम करके एक ही वेक्टर, सिंगल वेक्टर में कन्वर्ट कर देते थे। और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में एक सिंगल वेक्टर को हम लोग दो अलग अलग वेक्टर्स में स्प्लिट कर देंगे। और लगा कि इसका क्या फ़ायदा होगा, उसका तो फ़ायदा समझ में आता है, इसका भी ना बहुत फ़ायदा है। ठीक है, तो अभी ज़्यादा सोचो मत, अभी ज़्यादा उछलने की ज़रूरत नहीं है, अभी जो बताता हूँ वो समझो, फिर आगे सबका यूज आएगा। तुम खुद कहो कि हाँ, इसका बहुत यूज है, इसके बिना तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होता है। बहुत, एक पेज का क्वेश्चन जो है वो 10 पेज में सॉल्व होता। ठीक है, तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल है, सबसे इंटरेस्टिंग ये। तो यहाँ देखो कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है कि दो अलग अलग वेक्टर में स्प्लिट कर देते। तो सबसे पहले तो मन में क्वेश्चन आया कि उन दोनों अलग अलग वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है। तो उन दोनों अलग अलग वेक्टर का डायरेक्शन कुछ ऐसा होता है, जैसे एक ये जो मैंने लिख रखा है इसे कह दो एक्स, ये जो मैंने ब्लू लाइन लिख रखा है इसे कह दो एक्स, इसे कह दो वाई। तुम कोई भी दो अलग अलग परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसे तोड़ सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक्स और वाई लिख दिया, दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। अच्छा, इससे मान लो इस वेक्टर की एंगल जो है वो है थीटा, एक्स एक्सिस से एंगल कितनी है इस वेक्टर की, थीटा। तो इस वेक्टर को मैंने दो अलग अलग वेक्टर में तोड़ दिया, एक वेक्टर एक्स के डायरेक्शन में ही होगा और एक वेक्टर जो है वो वाई के डायरेक्शन में होगा। अच्छा, अगर इसका मैग्नीट्यूड जो वेक्टर है एफ, उसका मैग्नीट्यूड था मॉड एफ, तो जो एक्स वाला होगा, ठीक है, इसे मैं यहाँ लिखता हूँ एफ एक्स, इसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो हो जाएगा मॉड ऑफ एफ इंटू कॉस थीटा। क्या हो जाएगा इस वाले का मैग्नीट्यूड, जो वेक्टर एफ है इसको मैंने दो अलग अलग वेक्टर में तोड़ दिया। कौन से दो अलग अलग, एक एफ एक्स और दूसरा एफ वाई। ठीक है, एफ एक्स का मैग्नीट्यूड कितना है, मॉड एफ इंटू कॉस थीटा, थीटा ये वाला एक्स के साथ एंगल। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, एफ वाई जो होगा इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा एफ वाई इज नथिंग बट मॉड एफ इंटू साइन थीटा। ध्यान रखो, एक्स वाले का क्या हो गया, मॉड एफ इंटू कॉस थीटा, और वाई वाले का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, मॉड एफ इंटू साइन थीटा। अब कहो कि तो ये दोनों वेक्टर मिलके एफ एक्स और एफ वाई क्या एग्जैक्टली वही काम करेंगे जो एफ कर रहा था, तो बिल्कुल वही करेगा। अब तो तुम्हारे पास इसे चेक करने का एक और तरीका भी है, तुम्हारे पास जो है वो अब वेक्टर एडिशन के लिए सारा फॉर्मूला मालूम है। तो ये दो अलग अलग वेक्टर हैं एफ एक्स और एफ वाई, इन दोनों को ऐड कर लो और ऐड करके देखो क्या इसका रिजल्टेंट जो है वो मॉड एफ मैग्नीट्यूड का आता है क्या, और क्या उसका डायरेक्शन थीटा एंगल निकलता है क्या। एफ एक्स और एफ वाई के बीच के एंगल तुम्हें गिवेन है 90, और निकाल के देखो उस तरह से चेक करने का तरीका। खैर, ये तो वो चेक करने का तरीका, अब तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ठीक है ये तो हम चेक कर लेंगे, वेरीफाई भी हो जाएगा कि हाँ ये आ गया, और मेरे विश्वास करो मैं गलत नहीं पढ़ाऊंगा, बिल्कुल वेरीफाई हो जाएगा और यही आएगा एफ एक्स और एफ वाई का रिजल्टेंट जो है वो यही आएगा, वेक्टर एफ ही आएगा। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड मॉड एफ आएगा, उसका डायरेक्शन थीटा आएगा। तुम चाहो तो इसकी जगह डाटा भी पुट कर सकते हो, 2 3 थीटा की जगह भी पुट कर सकते हो, कुछ जो चाहो 30 60। सवाल ये आता है कि ये आया कहाँ से, इसका डेरिवेशन क्या है। तो डेरिवेशन हम लोग देखेंगे, और बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है। ठीक है, 9th 10th की ट्रिग्नोमेट्री वाली डेरिवेशन है। तो सपोज मैं एक डिस्प्लेसमेंट को लेकर के डेराइव कर देता हूँ, सारे वैक्टर्स के लिए अप्लीकेबल है, सेम ही है। ठीक है, क्योंकि वैक्टर्स में हम लोग लेंथ की बात करते हैं, लेंथ से मैग्नीट्यूड से होता है। मैं डिस्प्लेसमेंट में डेराइव करता हूँ कि सपोज यहाँ पे मैं दो एक्सिस बना देता हूँ, एक्स एंड वाई, दिस इज वाई एंड दिस इज एक्स, और यहाँ पे कोई वेक्टर है आपकी वेक्टर डी, इसका मैं लेंथ शो कर रहा हूँ डी से, बस स्मॉल डी से, मैं ये अभी पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप समझो डी जो है वो लेंथ है। ठीक है, मैग्नीट्यूड लेंथ से मैग्नीट्यूड को डिनोट करते हैं, तो मैं लेंथ लेंथ डिनोट कर रहा हूँ। अब इसका जो दो अलग अलग कंपोनेंट होगा, एक एक्स में कंपोनेंट होगा और एक वाई में कंपोनेंट होगा,
वो कंपोनेंट कैसा होगा, उसका लेंथ कितना होगा, कितना लंबा होगा। तो एक्स में अगर आपको निकालना है एक्स कंपोनेंट कितना लंबा होगा, तो आप इमेजिन करो कि अगर एक्स के परपेंडिकुलर आप इस पर टॉर्च लाइट ऐसे दिखाते हो ऊपर से, ठीक है, इस डी वेक्टर पे, तो एक्स पे क्या है, जो एक शेडो बनेगा एक्स एक्सिस पे, वो शेडो कहाँ तक होगा? अगर आप यहाँ से टॉर्च लाइट दिखाओगे इस डी पे, इस तरह से ये रे ऑफ लाइट है, तो इसका शेडो जो होगा वो यहीं तक तो बनेगा ना, ऐसा परपेंडिकुलरली ऐसे इतना बड़ा लेंथ का होगा शेडो, ठीक है। तो यही शेडो को आपने कह दिया डी एक्स। और वाई में कंपोनेंट जो होगा उसका लेंथ कितना बड़ा होगा, तो सेम वाई के परपेंडिकुलर आप रे ऑफ लाइट को लाओ, आपने एक टॉर्च ऑन किया और ऐसा जो एक लाइट आया, ठीक है, यहाँ के बाद लाइट जो है वो डायरेक्ट आ जाएगा, शेडो यहाँ के बाद नहीं बनेगा, यहाँ के नीचे बनेगा शेडो, तो शेडो कितना बड़ा बनेगा, इतना बड़ा जो मैंने अभी मार्क किया, ठीक है। तो अब इस शेडो का जो लेंथ है वही जो है लेंथ है एफ वाई का, दिस इज़ योर एफ वाई, ठीक है। अब इसी लेंथ को हमें फाइंड आउट करना है, मैं थोड़ा कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ ये, मैं चलो दिखा ही देता हूँ यार, ये लो, ठीक है, ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, ये एंगल तो मैं गिवन था थीटा ऑलरेडी पहले से, ये गिवन था थीटा, थीटा ऑलरेडी पहले से, हमें क्या है थीटा गिवन है और डी गिवन है, क्या हम डी एक्स और डी वाई नहीं निकाल सकते, सॉरी एफ वाई लिखा है, ये डी वाई कर दो, डी वाई, ठीक है। गिवन क्या क्या है मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, गिवन क्या क्या है, थीटा एंड डी, फाइंड क्या क्या करना है, डी एक्स एंड डी वाई। बहुत ही आराम से एक बहुत ही कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा आपने बचपन में, देखो अगर ये लेंथ डी वाई है, ये लेंथ अगर डी वाई है, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, डी वाई ही होगा, अरे रेक्टेंगल है बेवकूफ़, तो वो लेंथ डी वाई है तो ये लेंथ भी कितना हो जाएगा, डी वाई ही होगा, चलो ये लेंथ भी कितना है, डी वाई है, और ये डी एक्स है तो ये भी डी एक्स होगा, उसकी कोई ज़रूरत है नहीं। अब आप इस वाले ट्रायंगल में देखो, ये जो ट्रायंगल में मार्क कर रहा हूँ ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में गौर से देखो बेस क्या है, ये डी एक्स जो है ये इसका बेस हो गया, हाइट क्या हो गया, डी वाई, और हाइपोटेनियस हो गया डी, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा इज बेस बाई हाइपोटेनियस, ठीक है, या फिर बेस बाई हाइपोटेनियस की जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ कॉस थीटा इक्वल टू बेस क्या है डी एक्स और हाइपोटेनियस क्या है डी। यहाँ से इस वाले से अगर मैं डी को इधर लेफ्ट में लेके जाऊँ तो क्या आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा डी इंटू कॉस थीटा, और इसी तरह से जैसे डी एक्स आ गया डी इंटू कॉस थीटा, अब आप चाहोगे डी वाई फाइंड करना कि ठीक है डी एक्स तो फाइंड हो गया, डी वाई कैसे फाइंड करें, तो अगेन अगेन हम सेम काम करेंगे, बस हम इस बार साइन थीटा, कॉस थीटा जो वहाँ लिखा था हमने, यहाँ पे इसकी जगह हम साइन थीटा लिखेंगे, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर क्या है डी वाई, हाइपोटेनियस क्या है डी, इस थीटा के लिए बेवकूफ़ हूँ परपेंडिकुलर है डी वाई और हाइपोटेनियस डी। देखो कॉन्सेप्ट अगर पता है आप लोगों को, पढ़ा है तब तो ठीक है, अगर नहीं पता है या किसी ने नहीं पढ़ा है तो जैसे जैसे मैं कहते जा रहा हूँ वैसे वैसे कॉन्सेप्ट डेवलप करते चल जाओ कि हाँ चलो ये ऐसा होता है, मैंने बोला कि परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाला होता है तो मान लो ठीक है, अगर ये थीटा होता तब इसे परपेंडिकुलर कहते, ये अगर अल्फा लिखा है तो इस अल्फा के लिए परपेंडिकुलर कौन है, ये डी एक्स, ये थीटा लिखा है तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन है, डी वाई, परपेंडिकुलर आप पे डिपेंड नहीं करता है, आप ऐसे बैठ के देख रहे हो तो ये आपको परपेंडिकुलर लग रहा है, कोई बंदा ऐसे बैठ के देखेगा तो उसे ये परपेंडिकुलर लगेगा, तो इसलिए आप पे डिपेंड नहीं करता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिपेंड करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक ही फिगर को अलग आदमी आएगा और कहेगा कि इसके लिए परपेंडिकुलर ये है, और अलग आदमी कहेगा कि नहीं परपेंडिकुलर तो ये है, तो इसलिए परपेंडिकुलर डिपेंड करता है इस थीटा पे, कि एंगल जहाँ बताया कि थीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन है, तो ये डी वाई है परपेंडिकुलर। चलो साइन थीटा लिखते हैं, दैट इज आउट ऑफ टॉपिक, तो साइन थीटा इज क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, और इसी को मैं साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, परपेंडिकुलर की जगह डी वाई लिख सकता हूँ और हाइपोटेनियस की जगह मैं डी लिख सकता हूँ, और यहाँ से डी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा, डी वाई विल बिकम डी इंटू साइन थीटा। तो ये देखो आप बहुत ही आसानी से हम डी एक्स और डी वाई का लेंथ कैलकुलेट कर पाए, हमें डी और थीटा पता था और डी एक्स डी वाई हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। और ये जो लेंथ हमने कैलकुलेट किया है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर यही तो है, ये एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था
ठीक है, ये एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था डी, जो सिंगल मतलब इस डायरेक्शन में अगर डी लेंथ चलेगा तो एक पॉइंट पे पहुंच जाएगा। तो हमने कहा कि इसको क्या दो अलग अलग वेक्टर में स्प्लिट कर सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। काम करो आप, डी एक्स लेंथ जो है वो एक्स डायरेक्शन में चलो, एक्स डायरेक्शन में आप कितना लेंथ चलो डी एक्स के जितना, और वाई डायरेक्शन में आप कितना लेंथ चलो डी वाई के जितना, और इन दोनों डिस्प्लेसमेंट को चल के आप एग्जैक्टली वही पॉइंट पे पहुंचोगे जहां पे आप इस डी को चलने पे पहुंच रहे थे। ठीक है, तो देखो ये डिस्प्लेसमेंट जो है वही क्या है अपना रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर डी एक्स डी वाई। हमने डी एक सिंगल वेक्टर दिया हुआ था, उसको हमने दो अलग अलग वेक्टर में स्प्लिट कर दिया, और डी वाई मैं यहाँ लिखूँ यहाँ लिखूँ दैट इज़ द सेम थिंग। हम डिस्प्लेस कर सकते हैं वेक्टर को बिना उसके मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में कोई चेंज किए। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर यही था, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ठीक है ना, इसके बिना मैकेनिक्स के बारे में सोचना भी मत। और नहीं समझ में आ रहा है तो एक दो क्वेश्चन करोगे और तो प्रैक्टिस होने के बाद ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं है, डाउट भी पूछ सकते हो कुछ तो मैं डाउट भी ले लूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। चलो एक चीज़ और बता देता हूँ, इंक्लाइंड प्लेन जो होता है ठीक है, सपोज तुम किसी स्लोपिंग पे जाते होगे ठीक है, या बाइक वाइक से फ्लाईओवर पे जाते होगे, कहीं भी जाते होगे, तो कुछ ऐसा रहता है कि ग्राउंड से सपोज ये ग्राउंड है, ये मैंने बना दिया ग्राउंड, तो इस ग्राउंड से कुछ एंगल पे वो ऊपर रहता है, अपलिफ्टेड रहता है, उसे हम लोग कहते हैं इंक्लाइंड फिजिक्स की दुनिया में। तो अब यहाँ पे कोई एक ब्लॉक है, बॉडी है, जो समझना समझ लो, वो क्या है, वो नीचे आएगा, रख देंगे तो ऐसे तो रहेगा नहीं। मान लो सपोज फ्रिक्शन भी नहीं है, फ्रिक्शन लेस है, तब तो डेफिनेटली नीचे ही आएगा, फ्रिक्शन पे सोच सकते हो रह जाएगा। नीचे आएगा तो मैं पूछता हूँ कि किस फोर्स के कारण नीचे आ रहा है, तो तुम कहोगे ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे आ रहा है, तो मैं कहूँगा ग्रेविटेशनल तो एग्जैक्टली वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, तो वर्टिकली डाउनवर्ड क्यों नहीं आ रहा है, तो क्योंकि वर्टिकली डाउनवर्ड आने के लिए इसका स्पेस फ्री नहीं है, अगर फ्री होता तो डेफिनेटली वर्टिकली डाउनवर्ड आता। तो मैं कहूँगा तो पूरा का पूरा ग्रेविटेशन फोर्स जो है इस पर लग जा रहा है, और ये मूव इस डायरेक्शन में नहीं कर रहा है, ये मूव इस डायरेक्शन में कर रहा है, तो इसका मतलब कि कोई फोर्स तो होगा जो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, कुछ एक फोर्स तो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो अब आप रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर समझ सकते हो कि इस ग्रेविटेशन फोर्स को आप चाहो तो दो अलग अलग फोर्स में ब्रेक कर दो। कौन सा फोर्स? एक ये फोर्स जो बिल्कुल इंक्लाइन के पैरेलल है, और एक ये फोर्स जो बिल्कुल इंक्लाइन के परपेंडिकुलर है ठीक है। और अब आपको कि देखो अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स आपके लिए नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसा है ये प्लस ये आपके लिए ग्रेविटेशनल फोर्स, इसे आप भूल जाओ ठीक है। अब हम ब्रेक करने के लिए सीख गए हैं, तो अब हम कह सकते हैं कि ये दोनों को मिला के आज तक यही पढ़ते आओ बचपन से कि ग्रेविटेशनल फोर्स ये होता है, लेकिन अब सीख गए, अब हम कह सकते हैं कि ये जो है ये है ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि ये और वो दोनों कहने में कोई अंतर है नहीं, इन दोनों को भी सम कर दोगे तो एग्जैक्टली वही आ जाएगा। तो आपको कि ये दोनों है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो ये वाला पार्ट है इसके कारण इसमें कोई मोशन नहीं आ रहा है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, और ग्रेविटेशनल फोर्स का ये वाला पार्ट जो है इसके कारण इसमें मूवमेंट हो रहा है। तो जो भी 9.8 का ग्रेविटेशन लगता है यहाँ पे, आप कह सकते हो कि एग्जैक्टली कितना ग्रेविटेशन इसको मोशन करवा रहा है और कितना ग्रेविटेशन जो है वो मोशन नहीं करवा रहा है, वो यूजलेस है ठीक है। हाँ इसके लिए आपको कुछ कुछ एंगल मालूम होनी चाहिए, ये एंगल मालूम होनी चाहिए, ये इसी 9.8 को अगर आप इस दो अलग अलग पार्ट में ब्रेक करोगे दो परपेंडिकुलर, तो कोई एक एंगल मालूम होनी चाहिए, तो वो सब आपको दी जाएगी, ऐसे ही थोड़ी पूछेगा आपसे क्वेश्चन। तो दैट्स इट, इसका बहुत एप्लीकेशन, ये तो मैंने एक अभी झलक दिखाया है, और बहुत ही क्वेश्चन को ये आसान कर देता है ठीक है। अब आपको एग्जैक्टली पता चल गया कि एग्जैक्टली इस फोर्स के कारण मोशन हो रहा है, तो एग्जैक्टली आप इस फोर्स के कारण और भी चीज़ निकाल पाओगे, एक्सेलरेशन निकाल पाओगे, एक्सेलरेशन निकल जाएगा तो वेलोसिटी निकाल पाओगे, ये भी निकाल पाओगे कि 2 सेकंड में कितना, सब फॉर्मूला पढ़ने के बाद ही, अभी हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ है मैकेनिक्स। तो ये सब रिजोल्यूशन का कितना बड़ा हेल्प था, अगर ये नहीं होता तो हम पता ही नहीं कर पाते। अगर कोई कहता कि यहाँ से हमने अभी छोड़ा और 2 सेकंड के बाद कितना दूर जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो जब हमें फोर्स ही नहीं पता है कितना लगेगा तो हम क्या बता सकते हैं। तो बहुत कुछ वर्क डन निकाल पाएंगे हम लोग, सब आगे पढ़ेंगे, सब डिटेल में पढ़ेंगे। तो ठीक है आज के लिए बस इतना ही रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे वो आई कैप जे कैप के कैप, कि हम लोग वेक्टर को आई कैप जे कैप और के कैप के टर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ठीक है। अभी आपने पहली बार उसका नाम सुना होगा 11th में आके, तो वो हम सीखेंगे कि वो क्या चीज़ है और उसे कैसे हैंडल करना है उससे ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।